जो खैरा साहब ने बोलिया देश लिए घातक बोलिया। अज मैं देखिया सारे अखबारों ने सारिया पार्टियां ने उन्हें कंडम किया और मैं समझता कि हुण केजरीवाल साहब न इहदा कोई जवाब देना चाहिए सी और अगर वो जवाब नहीं दिंदा तो उन्हां दी मिली भुगत है जां तुरंत केजरीवाल नूं चाहीदा इहनूं तुरंत हटाउण नहीं तो यह मन्निया जाएगा कि केजरीवाल का पालिया चेला है देश धुरोई बयान जिहड़ा दे रहा है समेत केजरीवाल दे जे नहीं वह बयान दिंदा इहदी पूरी तह तक जाके जो देश धुरोई का केस बनता होना चाहिए। खैरा वल्ल इन्हां ने केजरीवाल ने पहला भी इलैक्शन तो पहला भी यह पत्ता खेडण की कोशिश की है और ये जिहड़ा अमन और कानून अमन और शांति लियांदी है इत्थे पंजाब च पहले ही 12 साल खून की होली खेडी गई है 25,000 तो वध लोग इत्थे मारे गए ने शहीद होए ने अज ऐसे बयान देने देश लई देश की एकता ते अखंडता लई बड़ा मंदक भागा साबित हो सकता है और खैरा साहब जो बोलिया है वो मंदभागा है सारिया पार्टियां ने मंदभागा कहा है। केजरीवाल अपना स्टैंड स्पष्ट करन अगर जे केजरीवाल अपना के स्टैंड स्पष्ट नहीं करता तो उन्हों इहदे नाल एक ते एक 11 गिणिया जाएगा। गल ये है जो खैरा साहब का बयान मंदभागा है और मैनू ये लगता कि जो पुराने समय च बादल साहब करते रहे ने और बादल साहब के नाल ही इन्ह के फादर साहब भी होंदे सी सरदार सुखजिंदर सिंह जे मैं भुला ना तो मिनिस्टर भी रहे ने जदों पावर तो बाहर होंदे सी उदों देश धरोही गल्लां अते जो देश का संविधान है उन्हूं साड़दे ते पाड़दे सी और शहीदां नूं दे बच्चों के खून के तिलक लाउंदे सी उहदा रिजल्ट यह होया कि अतवाद पंजाब ने 12 साल हंडाया सी और मैनू लगता कि खैरा साहब भी कितने ना कितने मुख्यमंत्री की कुर्सी देखने नूं इधर उधर हथ मारदे ने तां ही मैं कहा कि जो बादल साहब हुणी करदे सी खैरा साहब कर रहे ने केजरीवाल साहब तुसीं भी दसो उस लाइन च लग रहे हो।